हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री हरि एसोसिएट्स। मैं हूं आपका अपना दोस्त जयदीप मेहता और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ब्रांड न्यू बिल्डर फ्लोर इन रोहिणी सेक्टर 28। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इस वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, बिकॉज इस वीडियो में आपको बहुत सी नई चीज देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए। और दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और जिस बिल्डर फ्लोर की हम ऑनलाइन विजिट करने आए हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 32 स्क्वायर मीटर पर कॉर्नर फ्लोर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 गज। और खास बात क्या है कि जिन्होंने ये बिल्डर फ्लोर बनाए हैं, मिस्टर आदित्य शर्मा फ्रॉम शिवाय कंस्ट्रक्शन, वो भी आज हमारे साथ यहाँ पर अवेलेबल है। तो आज आपको वीडियो के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, मिस्टर आदित्य शर्मा विल लेट यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस बिल्डर फ्लोर। तो आइए दोस्तों, मैं उनसे मिलवाता हूँ। हेलो भैया, कैसे आप? गुड भैया, गुड। तो दोस्तों, ही इज मिस्टर आदित्य शर्मा और इन्होंने बहुत ही दिल से, बहुत ही जी जान से इस बिल्डर फ्लोर को तैयार किया है। तो आइए बिल्डर फ्लोर से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हम लोगों का लिफ्ट एरिया है। तो आदित्य भैया, आपने इस फ्लोर के अंदर कौन सी कंपनी के लिफ्ट को यूज किया है? जयदीप, मैंने इस लिफ्ट के अंदर जो है सिटी एलिवेटर्स लिफ्ट यूज करी है। अच्छा, जो कि बहुत ही शानदार लिफ्ट है, जो कि एक साल की वारंटी के साथ हमें मिल रही है और साथ में जो लाइसेंस है वो वन टाइम लाइसेंस है, आपको बार बार रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। क्या बात है! इनका कहने का मतलब ये है कि हमने सिटी एलिवेटर्स कंपनी की लिफ्ट को यूज किया है और आप अगर इस बिल्डर फ्लोर को लेते हैं तो आपको बार बार लाइसेंस को रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी खास बात है। आइए दोस्तों, फ्लोर के अंदर एंट्री करते हैं। वाह भैया, अमेजिंग! आपने तो बहुत ही शानदार फ्लोर को तैयार किया है। तो भैया, ये जो लिविंग एरिया है, बेसिकली इसका डायमेंशन क्या है? लिविंग एरिया का डायमेंशन है वो है 10x18। 10x18, ओके। तो बहुत ही अच्छा स्पेस है। इसके अंदर कितने सीटें सोफा आ जाएगा भैया? सर, आप देखिए, यहाँ से लेके और वहां तक पूरा आपको स्पेस मिलता है। मेरे अकॉर्डिंग 10 सीटें सोफा यहाँ लग सकता है। अच्छा, और आपने जो डोर्स है, डोर्स बहुत ही अच्छी पॉलिश से लग रहे हैं, तो आपने इसके अंदर कौन सी वुड का इस्तेमाल किया है? यानी मैंने इसके अंदर बेस्ट टू बेस्ट जो है ना, जो लकड़ी है वो सागवान यूज करी है। अच्छा, ये चौखट से सारी सागवान की बनी हुई है। ओके, ये पूरा वीयर लगा गया है, उसको पर पहले मैंने पॉलिश किया है वॉलनट कलर के साथ। अच्छा, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो वुड यूज की गई है दैट इज बेसिकली सागवान, और सागवान वुड एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वुड है, जिसको बार बार आपको पॉलिश कराने की या वो अपनी शाइन को एक टाइम के बाद अपनी शाइन छोड़ती नहीं है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यूज है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार वॉलपेपर लगाया गया है। ये आप लोगों की स्क्रीन जैसी फिटिंग है। और साथ में आप एक बार वॉल सीलिंग का डिजाइन देखिए, क्या शानदार वॉल सीलिंग का डिजाइन विद कोव लाइट्स। तो ये आपने कोव लाइट्स का आइडिया कहां से लिया? कोव लाइट्स का आइडिया मैं साउथ ईस्ट वगैरह जाता रहता हूँ, वहां मैंने देखा बहुत अच्छे डोर्स बन रहे हैं, मैंने वहां से इंस्पायर होकर के बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की पीओपी करवाई और उसके कोव लाइट्स उसके अंदर इंस्टॉल करवाई है, ताकि ये लुक है वो और एनहांस हो जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे बिल्डर साहब बहुत ही पैशनेट हैं, उन्होंने बहुत ही दिल और बहुत ही जीजान से बिल्डर फ्लोर को तैयार किया है। तो आप लिविंग एरिया देखिए कितना सुंदर। जब भी हम फ्लोर के अंदर एंटर करते हैं तो लिविंग एरिया ही एक ऐसा एरिया है जो सबसे पहले पूरे फ्लोर को एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं किचन एरिया की तरफ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल किचन को तैयार किया गया है, किचन एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आप किचन के अंदर एंटर करें तो दिस इज बेसिकली द सिंक एरिया। यहाँ पर हम लोगों की सारी वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स होगी, और उसके अलावा ये हम लोगों का माइक्रोवेव एरिया है, ये हम लोगों की एग्जॉस्ट फैन की फिटिंग है। तो आदित्य भैया, एक क्वेश्चन है कि आपने इस किचन के अंदर क्या कुछ नया इंप्लीमेंट किया है? जैसे कि हमने फिटिंग यूज करी है, इसकी 10 ईयर की वारंटी है।
ओके और जो हमने ये वीरस के अंदर कब्जे यूज करे हैं, ये स्टेनलेस स्टील के कब्जे में कभी जंगे लगेगी और ये हाइड्रोलिक कब्जियां लगेंगी अपने आप स्लोली बनते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो भी फिनिक्स का इस्तेमाल किया गया है उसकी आपको 10 इयर्स की वारंटी मिल रही है। उसके साथ साथ जो शेल्स के अंदर फिटिंग अंदर की जो कब्जे यूज किए हैं वो टोटली हाइड्रोलिक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपने हल्का सा पुश किया तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही खास बात है इस किचन की और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मॉड्यूलर किचन को तैयार किया गया है। भैया इस अंदर और क्या खास बात है जो मुझे इसके बिना देखेंगे, जो सारा कुछ 500 स्टील पैलेट से बनी हुई है जो बास्केट है पूरी, इसमें भी जंगल लगेगी और ये बिल्कुल मॉड्यूलर है। और साथ में आप ये देखेंगे कि जो रहने की जगह है वो हमने यहाँ बनाएंगे और ये पूरी पूरी आपकी जो ये कम से कम पूरी बनेगी। इसमें दो सिलेंडर आ जाएंगे आपके, एक आपका चावल का बॉक्स और एक राइस का शुगर का बॉक्स तो एम्पल ऑफ स्पेस इज देयर इसको आप यूज कर सकते हैं। ग्लॉस का दिया गया थोड़ी और साथ में स्टील भी हमने ज़्यादा यूज करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, लेडीज तैयार हो जाइए, बहुत ही दिल से किचन को तैयार किया गया है। तो अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो आइए दोस्तों फर्स्ट बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं। दोस्तों ये हम लोगों का फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम के अंदर ये हम लोगों का एलसीडी पैनल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार पर्पल और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है एलसीडी पैनल के अंदर। ये हम लोगों की विंडो फॉर वेंटिलेशन है और विंडो फॉर वेंटिलेशन के बाद ये हम लोगों की स्लाइडिंग डोर अलमीरा है। तो आदित्य भैया आपने जो ये अलमीरा बनाई है वो आपने दीवार के अंदर अलमीरा दी है और डेफिनेटली यदि क्या होता है कि जो बाकी बिल्डर्स लोग होते हैं उसमें क्या होता है कि रूम दिखाते हैं कि काफी बड़ा है लेकिन अलमीरा नहीं होती। तो जब कस्टमर क्लाइंट जो है वहाँ पे अलमीरा बनवाता है तो उसका रूम साइज बहुत छोटा रहता है। तो हमारे आर्किटेक्ट ने अलमीरा को इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो आपके जो लिविंग रूम है जो आपका बेडरूम है उसके एरिया को खराब ना करे। इसलिए हमें सारी अलमीरा दीवार के अंदर वॉल के अंदर अलमीरा है और आप देखेंगे कि जो अलमीरा है बाकी बिल्डर फ्लोर में अलमीरा होती है वो सिर्फ 6 feet तक होगी, यहाँ तक होगी। ये हमने नीचे फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप पूरे लिए है और इसके अंदर देखिए पूरी इसके अंदर जो ड्रॉअर है इसके इतना सामान इसके अंदर आ सकता है। दैट्स ग्रेट भैया, ठीक है। और इसके अंदर जो माइका यूज की गई है मेटालिक माइका है और ये बहुत ही ड्यूरेबल है और ये भी लॉक है, देखिए लॉक हो गया है। और ये ऊपर हमें इसके अंदर पूरी डेप्थ है, इसके अंदर इंटरनेशनल लगे जो होते हैं 2-3 इसके अंदर आ जाएंगे। और इसके साथ हमने इसके अंदर वायरिंग करवाई है कि अगर आपको बाद में लाइट्स की जरूरत हो तो लाइट्स भी लगवा सकते हैं इसके अंदर। दैट्स ग्रेट। तो दोस्तों अलमीरा को भी बहुत ही तरीके से तैयार किया गया है। ये हम लोगों की विंडो एसी की फिटिंग है और इस रूम के साथ खास बात क्या है कि अटैच वॉशरूम भी है। तो आइए दोस्तों वॉशरूम के अंदर एंटर करते हैं। तो दिस इज द वॉशरूम। वाह भैया वाह भैया, मैं वॉशरूम के अंदर एंटर किया मैं वॉशरूम के अंदर एंटर किया तो ये लाइट ऑटोमेटिकली जल गई। ये ऑटोमेटिकली इसलिए जल गई क्योंकि इसके अंदर लाइट सेंसिंग सेंसर लगाए हैं। जैसे आप रूम में आए किसी बाथरूम में आते हैं तो ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाएगी और आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी टाइमिंग रखना चाहते हैं उसकी टाइमिंग को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। और अगर आपको लाइट कम लग रही है तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। That's great. तो दोस्तों वॉशरूम के अंदर सेंसर इस्तेमाल किया गया है। सेंसर मतलब आपकी मोशन से आपकी बॉडी मोशन से लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो आइए वॉशरूम का सेकेंड एरिया देखते हैं। ये हम लोगों का वॉश बेसिन है। वॉश बेसिन के बाद ये हम लोगों की सीट है। भैया सीट में सबसे अमेरिकन स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी जो चीजें इस्तेमाल किया मैंने आपको बताया प्रीमियम वर्क करा है। तो लोकल सीट ना लगा करके मैंने अमेरिकन स्टैंडर्ड की सीट लगाई है जो कि जैगुआर से भी ऊपर है। ओके और ये वॉल माउंटेड सीट है और साथ में अगर आप देखेंगे जो एक्सेसरीज यूज हो रही है ये भी जैगुआर की है। जैगुआर का डायमीटर है, जैगुआर की प्लेट है, इसकी भी वारंटी है पूरी। मतलब बेस्ट टू बेस्ट जो वर्क है वो किया गया है यहाँ पर। तो गाइस ये हम लोगों का पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया के बाद ये हम लोगों का शावर है। तो आइए अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। गाइस नाउ वी आर एंटरिंग द सेकंड बेडरूम। ओह ब्यूटीफुल। तो गाइस ये हम लोगों का सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम की अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो 12 बाय 10 का ये बेडरूम है। इसके अंदर अगेन ये बहुत ही सुपर सा एलसीडी पैनल दिया गया है। ये हम लोगों की बेसबोर्ड वॉल है जहां पर आप अपनी मर्जी का वॉलपेपर लगा सकते हैं। अगेन ये हमारी विंडो एसी की फिटिंग है। विंडो एसी की फिटिंग के बाद ये हम लोगों की अगेन आदित्य भैया ने इस रूम के अंदर भी दीवार के अंदर अलमीरा दी है और आप फॉल सीलिंग चेक करिए
बहुत ही सुंदर बहुत ही सोबर डिजाइन पॉलिचरी का बनाया है। तो कहने का मतलब ये है भैया इस रूम के अंदर आपने क्या नई चीज यानी नई चीज यही है कि क्या होता है कि रात के टाइम हम सोने आते हैं तो हम भूल जाते हैं लाइट नहीं बंद करी, फिर हम लाइट को केयर बंद करनी पड़ती है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपके कंफर्ट के लिए यहाँ पर जो है ये टू वे स्विच लगाया गया है जिससे कि आपकी लाइट ऑन या ऑफ हो जाए। ओके और इसके बाद जो आपका एसी है एसी की फिटिंग हो गई आपकी स्विच ऊपर लग गया आपकी ऑन ऑफ यहाँ से है एसी का। और इसके साथ आपको चार्जिंग पॉइंट दोनों साइड में दिए गए हैं। तो दोस्तों दिस फ्लोर इज फुल ऑफ कंफर्ट दैट्स अमेजिंग। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। आइए फ्रेंड्स लेट्स एंटर द थर्ड बेडरूम। तो गाइस ये हम लोगों का थर्ड बेडरूम है। अगेन अगर इसकी डायमेंशन की बात करूं तो 10x9 का ये बेडरूम है जहां पर ये हम लोगों की विंडो एसी के लिए स्पेस दी गई है। अगेन ये हम लोगों का वॉलपेपर या टेक्सचर पेंट के लिए बेस कोट बना के ये वॉल छोड़ दी गई है। आप अपनी चॉइस का यहाँ पर वॉलपेपर या टेक्सचर पेंट बना सकते हैं। अगेन ये दीवार के अंदर अलमीरा है साइड डोर। उसको आपने एक बार जरूर नोट की होगी कि हर रूम के अंदर दो चीजें बहुत खास है। पहली चीज हर दीवार के अंदर अलमीरा दी गई है और अलमीरा जो है वो स्लाइडिंग डोर अलमीरा है जो बहुत ही बेनिफिशियल है। आप रूम की स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस एक बात आपने नोटिस किया नहीं की बट मैं आपको जरूर बताऊंगा हर रूम के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन है। That is two-sided door, जिसकी वजह से हर रूम के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन है तो वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन बहुत ही सुपर वॉल सीलिंग बनाई गई है और खास बात क्या है कि इस रूम के साथ हमें बालकनी भी मिल रही है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं बालकनी की तरफ। तो दोस्तों ये हम लोगों की बालकनी एरिया है। बालकनी एरिया बहुत स्पेशियस है। अगर मैं बालकनी एरिया की बात करूं तो ये हम लोगों का वॉशिंग एरिया होगा जहां पर आप अपनी वॉशिंग मशीन यूज कर सकते हैं। और खास बात क्या है इस बालकनी की कि थर्ड बेडरूम और सेकंड बेडरूम के साथ ही अटैच है। दैट मींस बालकनी के अंदर हम थर्ड बेडरूम से भी और सेकंड बेडरूम से भी अटैच करते हैं। आइए मैं आपको घुमाता हूँ। तो ये हम लोगों का अगेन सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं। खास बात क्या है जो बालकनी है वो फर्स्ट रूम में भी है और सेकंड रूम में भी है अटैच बालकनी है जो बहुत ही अच्छी खास बात है। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं कॉमन वॉशरूम की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर एंटरिंग द कॉमन वॉशरूम। तो आदित्य के वॉशरूम के अंदर एंटर करने से पहले क्या आपने इसके अंदर भी सेंसर लगाया है? क्या बात है। आइए दोस्तों मैं आपको दोबारा सेंसर दिखाता हूं। ओह वाओ अगेन दोस्तों हमारे बॉडी के मोशन से अगेन सेंसर्स की वजह से वॉशरूम की लाइट ऑटोमेटिकली ऑन होती है। तो गाइस ये हम लोगों का वॉश बेसिन है। वॉश बेसिन के बाद ये हम लोगों का सीट है। अगेन सीट अमेरिकन स्टैंडर्ड की यूज की गई है और ये हम लोगों का एग्जॉस्ट फैन है और ये हम लोगों का बाथिंग एरिया है। तो दैट इज इट। आदित्य भैया अगेन आपने फिटिंग जो है वो जैगुआर की यूज किया सेकंड कॉमन वॉशरूम में भी? जी। ओके दैट्स ग्रेट। तो दोस्तों बहुत ही दिल से बहुत ही मन से ये फ्लोर को तैयार किया गया है। तो अब हम करते हैं इस फ्लोर के बारे में और क्या क्या खास बातें हैं हम बात करेंगे हमारे बिल्डर साहब से। यानी मैं आपको ये वॉशरूम दोबारा दिखाना चाहूंगा कि जो हमने इसके अंदर टाइल्स यूज करी ये चाइनीज टाइल्स नहीं है, ये मेड इन इंडिया यूनिको कंपनी की टाइल्स है जो कि आईएसओ सर्टिफिकेशन का है। और ये आप देखेंगे टाइल्स है ये टाइल्स है इसके बीच में चट्टी करके लगाई गई है। टाइल्स जो है ये वाटर कैन में कट कर आई है उसके बाद ये डिजाइन बनाया गया है। ओके ये सारा वाटर कैन से कटिंग डिजाइन है और बहुत ही सोबर और बहुत ही अच्छा एलिगेंट वॉशरूम में तैयार है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टाइल्स का डिजाइन भी बहुत ही डेलिकेट डिजाइन यूज किया गया है। तो अब हम बात करते हैं तो भैया आपने जो इसके अंदर पेंट यूज किया है जो भी आपका पेट है वो पेट आपने क्या ट्रैक्टर यूज किया है? यदि वो ट्रैक्टर जो बिल्कुल देसी कैटेगरी है मैंने इसमें ट्रैक्टर बिल्कुल यूज नहीं किया। हमने ट्रैक्टर से जो ऊपर बैठा है एक्वालाइट का प्रीमियम वो इसके अंदर पेंट में यूज किया है। तो दोस्तों इस बिल्डिंग के अंदर इस बिल्डर फ्लोर के अंदर एक्वालाइट प्रीमियम पेंट इस्तेमाल किया गया है। और अगेन भैया जो आपने ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग स्विचेज एंड बोर्ड यूज किए हैं वो कौन सी कंपनी है? कोना नहीं है, कोना नहीं है, कोना बिल्कुल बिल्कुल बेसिक नहीं है, ये कोना नहीं है, ये ग्रेट वाइट कंपनी है। ओके जो कि आईएसओ मानक कंपनी है और ये हमें 10 ईयर्स की वारंटी देते हैं स्विचेस के ऊपर। गाइस जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग फ्लोर के अंदर यूज की गई है दैट इज बेसिकली ग्रेट वाइट और दिस फिटिंग्स की 10 ईयर्स की वारंटी है।
तो ये बहुत ही खास बात है। और क्या खास है इसको, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो लोग बाकी बिटर्स यूज करते हैं वो कलिंगा के बैट्स यूज करते हैं। ओके, हमने हैवल्स यूज किया। तो गाइस ये बहुत खास बात है, एक प्रॉपर विजन के साथ बोल को तैयार किया गया है। जो इंटरनल वायरिंग है वो सारी वायरिंग जो है हैवल्स कंपनी की यूज की गई है। तो हैवल्स कंपनी इज सच अ गुड ब्रांड। और इसके अलावा भी, इसके अलावा जो आप देखते हो ऊपर एलईडी लाइट लगी हुई है, न्यूट्रल कलर की ओल्डो कंपनी की राइस है। तो इसकी 2 साल की ऑन साइड वारंटी मिलती है विद जीएसटी, हमने इसे परचेज किया। तो दोस्तों जो फॉल्स सीलिंग लाइट यूज की है वो राहुल लाइट्स है और इसकी 2 इयर्स की ऑन साइड वारंटी है। मगर इस बिल्डर को तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो छोड़ना नहीं बनता, बहुत ही दिल से तैयार किया। तो गाइस देर ना करिए, कॉल उठाइए, फोन घुमाइए, कॉन्टैक्ट श्री हरि एसोसिएट्स टू बुक दिस बिल्डर को। तो बट एक मेरा आपसे प्रॉमिस था कि इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही खास सरप्राइज है। तो गाइस अब हम बात करेंगे हमारे बिल्डर साहब से, मिस्टर आदित्य शर्मा से। तो आदित्य भैया, आपने वैसे एक बात डिस्कस करी थी कि यदि जो भी ये फ्लोर को बुक करेगा उसके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। तो भैया क्या सरप्राइज सोचा आपने? सरप्राइज जानने के लिए यदि तो कॉल कीजिए। तो दोस्तों इनका कहना है कि आप अगर ये बिल्डर फ्लोर बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करिए, बिल्डर फ्लोर को बुक करिए और देयर इज अ डेफिनेट वेरी ग्रेट सरप्राइज जो हम दोनों डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो गाइज बुक दिस बिल्डर फ्लोर, योर ड्रीम होम अवेट्स। Thank you guys, love you all, in this pandemic, stay safe, stay healthy.